आज लाइफ में पहली बार हमारा कोई एक्सपेरिमेंट इतना बुरी तरीके से फेल हुआ है क्योंकि इनो ढंग से मिक्स नहीं हो पाया था। बाकी इस चीज़ की गारंटी है कि अगर इनो मिक्स हो जाता ना तो बोतल के बछेड़े बोल जाते, भाई बोतल बिखर जाती बुरी तरीके से। तो गाइस यार ये है विनेगर, वाइट विनेगर, वही चीज़ जिसे चाउमीन वाउमीन में डालते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। और ये है इनो। तो अपन क्या करते हैं, इस विनेगर को इस कांच के गिलास के अंदर डालते हैं, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब क्या करते हैं, अब इनो की बोतल को खोलते हैं, ठीक है, इसका ढक्कन खोलते हैं और अब देखना कमाल, ठीक है, 1 2 3 वो है ना गाइस, बहुत ही औसम। देखो एक वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत ही तेजी से एक कमाल धमाल रिएक्शन। इसके पीछे का राज ये है कि अपन अक्सर लोग पानी के अंदर पीते हैं इसे और पानी के अंदर भी झाग आते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा तेज नहीं आते, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये जो विनेगर है इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड और ये है हमारा बेस, और बेस और एसिड को मिलाते हैं तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो गाइस यार यहीं पर ये वाली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता है कि इनो सबके घर में होता है, विनेगर भी सबके घर में होता है, सभी लोगों ने इस चीज़ को एक ना एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा और साथ ही साथ ये भी सोचा होगा कि यार काश कि इस चीज़ को बड़े लेवल पर ट्राई करते, एक बोतल लेते उसके अंदर विनेगर डालते, ऊपर से इनो डालते और उसका ढक्कन बंद कर देते। बताओ किस किस ने सोचा, मैंने तो बहुत सोचा था। तो कहिए आज की इस वीडियो के अंदर इसी सिंपल से एक्सपेरिमेंट को अपने लेवल पर ट्राई करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे। लेकिन गाइस यार एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं चश्मा क्यों पहनते हो, अरे भाई यार गर्मी के अंदर वीडियो बनाते हैं ना तो ऊपर सीधी सनलाइट आंखों के अंदर जाती है तो उस वजह से आंखों में से आंसू आते हैं, इसीलिए चश्मा पहननी पड़ती है। तो इसका जवाब क्लियर हो गया। अब दूसरी शिकायत जो कि मुझे आप लोगों से है, 15 मिलियन कब कराओगे? हाँ क्या यार, अपनी गैंग अभी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है, रफ्तार बढ़ाओ यार, अपनी गैंग को जल्दी से 15 मिलियन की करो। हाँ आप हो उसके लीडर, मैं तो उसका एक मेंबर हूँ, तो फटाफट से अपनी जो फैमिली उसको 15 मिलियन की करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है ना इसे दबाओ फटाफट से और हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा अपने लेवल पर ट्राई करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी करो यार, किस बात की देरी है, चलो शुरू करते हैं। गाइस यार इस बार हमारे पास है ये बड़ी वाली बोतल और बहुत सारी इनो और विनेगर। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा इनो है, बहुत 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 सारा, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर है काफी सारा विनेगर और इसके साथ साथ में हमारे पास है ये स्पेशल पाइप। तो देखो आइडिया क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे और फिर इसके अंदर ये जितना भी विनेगर है इसको इसके अंदर खाली कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जितना भी इनो है उसे इस ट्यूब के अंदर भर देंगे और उसके बाद में इस ट्यूब को इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे और फिर ऊपर से ढक्कन को बंद कर देंगे टाइट, ठीक है, और फिर हम इस बोतल को ऐसे गिरा देंगे। फिर हमारा जो इनो और विनेगर है वो आपस में मिक्स होगा, इसके अंदर बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और फिर बूम। सोचा तो यही है, आइडिया तो यही है, अब रियलिटी के अंदर होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हपन डालते हैं विनेगर, आ जाओ, बहुत सारा गाइस, बहुत सारा विनेगर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस आप देख सकते हैं कि हमने सारा विनेगर इस बोतल के अंदर खाली कर दिया है, साथ साथ इतना जो स्पेस है वो हमने इसलिए बाकी रखा है क्योंकि इसके अंदर गैस बनेगी, उसको भी तो थोड़ी जगह चाहिए ना, इस वजह से। तो इतना सारा हमने विनेगर डाल दिया है और अब इस चीज़ इस ट्यूब के अंदर डालते हैं बहुत सारा इनो, यानी कि जितना भी इनो है उससे इस ट्यूब को फुल भर देते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर 1 2 3 4 चार इनो की बोतल से ही हमारी ये जो ट्यूब है ये फुल भर चुकी है, हम तो काफ़ी सारा लाए थे लेकिन ये फुल हो चुकी है। तो चलो अब इसके अंदर इसे डालते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस ये हम लगा देते हैं कैप
और इसे थोड़ा और मजबूत करने के लिए, वैसे तो मजबूत हो गया फिर भी थोड़ा सा टेप लगा देते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बने। भाग जाए यहाँ पे, क्या कर रहा है अब? गोली हो जाए गोली, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता गाइस, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ को, बचपन से सोचा था आज ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है अब मुझे बस इसे उल्टा करना है, तो 1 2 3 later tu maar le mere bhai bolle ha ah all right guys एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फेल हो गया ये वाला, क्योंकि हमारा जो यूनो है वो पूरा तो इसके अंदर मिक्स ही नहीं हुआ। ये देखो ये रहा मेरे हाथ में ही है, ये देखो। ऑलराइट गाइस, तो यार लगता है कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऐसे तो यार इनो को विनेगर के अंदर मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इनो ज़्यादा है। बाकी जैसे ही मिक्स हो रहा है गैस बहुत तेज़ी से निकल रही है, देख ना, देखो तो गाइस यार इस बार हमने क्या किया है, पाइप की जगह इस अखबार का इस्तेमाल किया है ताकि अखबार जो है सीधा ही विनेगर के अंदर जाने के बाद घुल जाए और हमारा जितना भी इनो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। गाइस इस बार फेल नहीं होना चाहिए यार, लगाओ। ऑलराइट गाइस ऑल सेट, अबे हेलमेट पहन ले हेलमेट। क्यों गाइस इस बार जो है करीबी मुकाबला हो सकता है, आई मीन मामला हो सकता है, तो चलो फटाफट से तैयार है ना, टेप टेप जल्दी टेप टेप खोल के रख, टेप खोल के रख। इस बार हम क्या करेंगे, ढक्कन के मुंह पे टेप भी लगा देंगे बहुत सारी। ऑलराइट तैयार। ऑलराइट गाइस, तो धीरे धीरे इस ट्यूब को इसके अंदर डालते हैं। कैप लगा, कैप लगा, वो पहले बोल रहा है ये तो, लगा जल्दी टेप लगा, बहुत सारे लगा ले। मैं कह रहा था हट जा। ऑलराइट गाइस मिशन सक्सेसफुल।